हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी छोटी लाल मुर्गी की। एक समय की बात है, एक खेत में छोटी लाल मुर्गी रहा करती थी। वह बहुत मेहनती मुर्गी थी। उसके घर के पास ही एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक बत्तख रहता था। वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कई बार कुत्ता, बिल्ली और बत्तख छोटी लाल मुर्गी का फायदा उठाया करते थे। वह मेहनत करके अपना भोजन तैयार करती थी और यह तीनों बिना बताए उस भोजन को खाने के लिए जाया करते थे। मुर्गी भी दोस्ती के कारण उन्हें कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, छोटी लाल मुर्गी खेत में घूम रही थी कि उसे मिट्टी में पड़े हुए गेहूं के कुछ बीज दिखाई पड़े, जिसे देखकर वह सोचने लगी, क्यों ना मैं इन बीजों को खेतों में बो दूं। जब फसल होगी तो मैं गेहूं पिसवा लूंगी और उसकी रोटी बनाकर मजे से खाऊंगी। उसे पूरा विश्वास था कि इस काम में उसके दोस्त उसकी सहायता जरूर करेंगे। उसने गेहूं के दाने उठा लिए और सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से कहा, दोस्त देखो, मुझे खेत में गेहूं के यह बीज मिले हैं। मैं इन्हें खेतों में बोना चाहती हूँ, क्यों ना तुम मेरी सहायता करो। कुत्ता उस समय आराम कर रहा था। उसने जवाब दिया, नहीं, यह मेरा सोने का समय है और मुझे जोरों की नींद आ रही है। मैं अभी यह काम नहीं कर सकता। छोटी लाल मुर्गी बत्तख के पास पहुंची और उससे पूछने लगी, दोस्त क्या तुम इन गेहूं को बोने में मेरी सहायता करोगे। बत्तख बोला, नहीं, देखो कितनी धूप है, मैं तो झुलस जाऊंगा। माफ करना, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तब छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास गई और उससे भी गेहूं के बीज दिखाकर पूछा, दोस्त कुत्ता और बत्तख तो मेरी सहायता नहीं कर रहे, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। बिल्ली बोली, देखो इस समय तो मैं पड़ोस के घर में दूध पीने जा रही हूँ, इसीलिए अभी तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। दूध नहीं मिला तो मैं भूखी रह जाऊंगी। दुखी होकर छोटी लाल मुर्गी बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर खेत में इन बीजों को बो देती हूँ। वह खेत में गई और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत कर शाम तक उसने सारे बीज बो दिए। समय बीता और खेत में गेहूं की फसल लहराने लगी, जिसे देख छोटी लाल मुर्गी बहुत खुश हुई और दौड़कर सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से पूछा, दोस्त खेत में फसल लहराने लगी है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे। कुत्ते ने बोला, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है। छोटी लाल मुर्गी बत्तख के पास पहुंची और उसे सहायता करने के लिए कहा। तब उसने बोला, देख तो रही हो ना, मैं कितनी छोटी सी हूँ, मैं कैसे खेत में फसल काटूंगी। माफ करना, मुझसे नहीं हो पाएगा। छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास पहुंची, जो नहा धोकर धूप में बैठी हुई थी। छोटी लाल मुर्गी ने उससे फसल काटने में सहायता मांगी तो उसने गुस्सा होकर बोली, नहीं, मैं यह काम नहीं करूंगी, मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ, मैं उस धूल मिट्टी में गंदी हो जाऊंगी। छोटी लाल मुर्गी दुखी होकर वहाँ से चली गई और सीधे खेत में पहुँची। वहाँ उसने अकेले ही फसल की कटाई की। अगले दिन उसने सोचा कि क्यों ना इन गेहूं को मैं पिसवा लूं, आटा रोटी बनाने के काम आ जाएंगे। वह फिर कुत्ते के पास पहुंची और कहने लगी, दोस्त चलो ना मेरे साथ आटा चक्की तक, मुझे इन गेहूं को पिसवाना है। कुत्ते ने बोला, ऐसे कामों के लिए मुझे ना कहा करो, मैं इन सब कामों के लिए नहीं हूँ। कुत्ते ने धुतकारते हुए जवाब दिया। छोटी लाल मुर्गी ने जब बत्तख से पूछा तो उसने फिर वही बहाने बनाए कि वह तो बहुत छोटी सी है, वह इतने दूर आटा चक्की तक नहीं जा पाएगी। बिल्ली के पास जाकर जब छोटी लाल मुर्गी ने सहायता मांगी तो बिल्ली बोली, आटा चक्की से उड़ने वाले आटे सारे मेरे बाल खराब कर देंगे, मैं तो वहाँ नहीं जा सकती। दुखी होकर छोटी लाल मुर्गी अकेले ही आटा चक्की गई और गेहूं को पिसवा कर वापस आ गई। अगले दिन उसने रोटी बनाने की सोची और
और अपने तीनों दोस्तों के पास पहुंची। तीनों खेत में खेल रहे थे। उसने पूछा, दोस्त क्या तुम रोटी बनाने में मेरी मदद करोगे? तीनों ने एक साथ बोला, नहीं, हमें तो रोटियां बनाने आता ही नहीं। छोटी लाल मुर्गी ने अकेले ही जाकर रोटी बनाई। जब गर्मा गर्म रोटियां तैयार हो गई तो वह कुत्ता, बत्तख और बिल्ली से पूछी और उन्हें रोटियां दिखाते हुए बोली, अब बताओ कि रोटी कौन कौन खाएगा? तीनों एक साथ बोले, हम खाएंगे रोटियां। मुर्गी बोली, नहीं, इन रोटियों के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसीलिए मैं ही सारी रोटियां खाऊंगी। और मजे से रोटियां खाने लगी। कुत्ता, बत्तख और बिल्ली ने कोई मेहनत नहीं की थी, इसीलिए वे सब छोटी लाल मुर्गी की मुंह देखते रह गए। मेहनत से कभी भी पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए।